कीर्ति दीक्षित, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के बारे में। ये एक्ट क्यों बनाया गया, इसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि पहले एम्प्लॉयर क्या करते थे, अनऑथराइज डिडक्शंस करते थे एम्प्लॉय की सैलरी से और उनको टाइमली पेमेंट नहीं करते थे, तो इस वजह से इस एक्ट को बनाना पड़ा। जानते हैं इस एक्ट के बारे में। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट क्या करता है, रेगुलेट करता है किसको, पेमेंट को, फॉर सर्टेन क्लास ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स। कुछ नोटिफाइड क्लासेस ऑफ एम्प्लॉय हैं, उनको उनकी पेमेंट को रेगुलेट करता है, मीन्स उनको टाइमली पेमेंट मिल सके और उनके सैलरी से अनऑथराइज डिडक्शंस ना हो, इसलिए ये एक्ट बनाया गया। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया में अप्लाई होता है। एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 28 मार्च 1937 को फोर्स में आया था। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, ये डेट आपको याद रखनी है, 28 मार्च 1937, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, टू अवॉइड अननेसेसरी डिले इन द पेमेंट ऑफ वेजेस। वेजेस के पेमेंट में कोई भी बिना किसी रीजन के डिले करना, उसको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया। टू प्रिवेंट अनऑथराइज डिडक्शंस फ्रॉम वेजेस, और वेजेस से अनऑथराइज डिडक्शंस को रोकने के लिए, विदाउट द परमिशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डिडक्शंस करते थे, इसलिए ये एक्ट बनाया गया। क्वालिफाइंग कंडीशंस क्या हैं, दिस एक्ट अप्लाइज टू एन एम्प्लॉयड पर्सन हुज वेज डज नॉट एक्सीड 24,000 पर मंथ। जिस एम्प्लॉय की वेजेस 24,000 रुपीज़ तक हैं, उन पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, मीन्स इसकी वेज सीलिंग कितनी है, 24,000 पर मंथ। अगर किसी की सैलरी इससे ज़्यादा है तो उस पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, कौन सी इंडस्ट्री में एक्ट एप्लीकेबल होगा, इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट। अदर एस्टेब्लिशमेंट में कौन कौन से आएंगे, ट्रामवे और मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस, इंगेज इन कैरिंग पैसेंजर्स और गुड्स और बोथ फॉर हायर और रिवॉर्ड। ट्रामवे या मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस जो कि पैसेंजर्स को लाने ले जाने के लिए या फिर गुड्स को लाने ले जाने के लिए जो यूज़ में होती है, वहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा। एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस जिसमें कि मिलिट्री, नेवल या एयरफोर्स या सिविल एविएशन, ये डिपार्टमेंट नहीं आएंगे, जो अदर एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस हैं वो उन पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। डॉक, रेफ, जेटी, इनलैंड वेसल्स, मैकेनिकली प्रोपेल्ड, माइन, क्वेरी और ऑयल फील्ड, इन सब जगहों पे एक्ट एप्लीकेबल होगा। प्लांटेशन, एनी वर्कशॉप, एनी एस्टेब्लिशमेंट इन विच वर्क रिलेटिंग टू द कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, कैनल्स, मीन्स जो भी एस्टेब्लिशमेंट ये बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, ब्रिज या कैनल्स बनाते हैं, तो वहाँ पर एक्ट एप्लीकेबल होगा। एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट नोटिफाइड बाई दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और जो भी गवर्नमेंट जिन भी एस्टेब्लिशमेंट को नोटिफाई करेगी तो वहाँ पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। मीन्स अगर आप ये एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा रटने वाली चीज़ नहीं है। डेफिनेशन ऑफ वेजेस, डेफिनेशन में क्या आएगा, वेजेस में ऑल रेमुनरेशन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो भी एम्प्लॉय को उसके काम के बदले में जो भी पैसा मिलेगा सैलरी, वो मनी, वो वेजेस की डेफिनेशन में आएगा। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, रेमुनरेशन पेबल अंडर एनी अवार्ड या और सेटलमेंट। अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था और उसके बदले में उसको कोई अवार्ड दिया जाता है या सेटलमेंट, जो भी मनी उसको दी जाती है वो भी इसमें आएगी। ओवर टाइम वेजेस भी इंक्लूड होंगी। वेजेस फॉर हॉलीडे, अगर कोई छुट्टी, अगर उसने हॉलीडे के बदले कोई छुट्टी उसको पैसा मिला है तो वो भी इसमें आएगा। एनी सम पेबल ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और अगर उस वो को जॉब से टर्मिनेट किया जाता है तो जो भी उसको पैसा मिलेगा वो भी इसमें आएगा। इसमें क्या क्या नहीं आएगा, बोनस नहीं आएगा, वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन ये नहीं आएगा, पीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस एंड ग्रेच्युटी, ये वेजेस की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, वेज पीरियड कैसे फिक्स होता है, वेजेस कैन बी पेड ऑन डेली, वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली बेसिस। इसको हम डेली वेजेस पे भी दे सकते हैं, वीकली भी पेमेंट कर सकते हैं, फोर्टनाइटली मींस 15 डेज मींस हाफ मंथ, हाफ मंथ भी पेमेंट कर सकते हैं और मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं। अब वेज पीरियड शैल नॉट एक्सीड 1 मंथ, एक महीने से ज़्यादा का वेज पीरियड नहीं होगा। वेजेस शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 7th डे,
अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1,000 से कम व्यक्ति काम करते हैं तो वहाँ पे जो सैलरी दी जाएगी वो 1 मंथ के कंप्लीट होने के बाद 7th डे के अंदर अंदर उसको पे कर दी जाएगी। अगर मान लीजिए 1 से लेकर 30 तारीख तक का महीना है तो जो अगले महीने की 7 तारीख तक उसको पेमेंट हो जाना चाहिए। 10th डे इफ द पर्सन इज एम्प्लॉयड इन एन एस्टेब्लिशमेंट मोर देन 1,000, अगर 1,000 से ज़्यादा व्यक्ति किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे 10th डे के पहले उनको सैलरी मिल जानी चाहिए। फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड कैसे फिक्स होता है? कुछ एम्प्लॉई जो कि डॉक, रेफ, जेटी या माइंस में काम करते हैं तो उस केस में भी उनको सैलरी 7th डे एक्सपायर होने से पहले मिल जाएगी। भले ही वहाँ पे 1,000 से ज़्यादा लोग भी काम करते हों, उस केस में भी उनको 7th डे के एक्सपायरी से पहले ही सैलरी मिल जानी चाहिए। इफ़ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन इज टर्मिनेटेड बाई दी एम्प्लॉयर, अगर किसी व्यक्ति का एम्प्लॉय उसको जॉब से निकाला जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, तो द वेजेस शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 2nd वर्किंग डे। तो जो उसको वेजेस दी जाएंगी उसकी, तो वो 2nd वर्किंग डे के एक्सपायर होने से पहले दी जाएंगी। मींस अगर किसी एम्प्लॉय को सैटरडे को निकाला जाता है जॉब से, सैटरडे को उसकी जॉब समाप्त हो जाती है, तो उसको जो सैलरी मिलेगी उसकी फाइनल सेटलमेंट जो मिलेगा वो कब मिलेगा? संडे हॉलीडे है तो उसको वर्किंग डे में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मंडे होगा वर्किंग डे, 1st वर्किंग डे, और ट्यूसडे होगा 2nd वर्किंग डे। तो 2nd वर्किंग डे के एक्सपायर होने से पहले उसको सैलरी मिल जानी चाहिए। इफ़ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन इज टर्मिनेटेड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट को क्लोज कर दिया गया है तो उस केस में भी जो सैलरी होगी एम्प्लॉयज़ की वो 2nd वर्किंग डे के एक्सपायरी से पहले मिल जानी चाहिए। डिडक्शंस, द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉयड पर्सन शैल नॉट एक्सीड 50%। जो भी एम्प्लॉय के अकाउंट से डिडक्शंस होंगे वो 50% से ज़्यादा नहीं होंगे, उसकी सैलरी के 50% से ज़्यादा डिडक्शन नहीं हो सकता। बट इन केस ऑफ पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इट कैन बी मेड अप टू 75%। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में 75% तक डिडक्शन हो सकता है। द टोटल अमाउंट ऑफ फाइन इम्पोज इन अ वेज पीरियड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन शैल नॉट एक्सीड एन अमाउंट इक्वल टू 3% ऑफ द वेजेस। जो टोटल फाइन लगेगा किसी एम्प्लॉय पे वो उसकी सैलरी के 3% से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसकी सैलरी जितनी है उसका 3% से ज़्यादा मंथली, उसके एक वेज पीरियड में 3% से ज़्यादा उस पर फाइन नहीं लगेगा। अ फाइन शैल नॉट इम्पोज ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन हु इज़ अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। जो भी 15 ईयर्स के अंदर जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन पर कोई भी फाइन नहीं लगेगा। अथॉरिटीज़ कौन सी आएंगी इसके अंदर में, जो कि कोई भी क्लेम है उसको हियर एंड डिसाइड के केस में तो कौन कौन सी अथॉरिटी अपॉइंट की जा सकती हैं? पहला है एनी कमिश्नर फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट। कोई भी कमिश्नर जो कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत अपॉइंट किया गया है वो इसमें अथॉरिटी हो सकती है। एनी रीजनल लेबर कमिश्नर अपॉइंटेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर एनी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल विद एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर स्टेट विद एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ एनी लेबर कोर्ट, या फिर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, या फिर अंडर एनी कॉरस्पॉन्डिंग लॉ जज ऑफ ए सिविल कोर्ट और ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं कि कौन कौन से इसके अंदर अब अथॉरिटी के अपॉइंट किए जा सकते हैं। फाइन इम्पोज ऑन एनी पर्सन इज नॉट रिकवरेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिशन। किसी एम्प्लॉय पे अगर कोई फाइन लगा है तो वो 90 डेज के बाद रिकवरेबल, उसको रिकवर नहीं किया जा सकता है। अगर कोई फाइन है तो वो 90 डेज के अंदर ही रिकवर हो जाना चाहिए। अ क्लेम शुड बी डिस्पोज ऑफ विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाई अथॉरिटी ऑफिसर। अगर कोई भी केस चल रहा है क्लेम को लेके, अगर कोई क्लेम है तो वो विदिन 3 मंथ्स उसको डिस्पोज हो जाना चाहिए, मीन्स 3 महीने के अंदर ही उसका सेटलमेंट हो जाना चाहिए। इन केस ऑफ अनऑथराइज डिडक्शंस, अगर कोई अनऑथराइज डिडक्शंस एम्प्लॉय ने किया है
तो एम्प्लॉयर इज़ रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट नॉट एक्सीडिंग 10 times, तो 10 times ही वो ऐसा अनऑथराइज डिडक्शन कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, ये आपको याद रखना है। इफ़ 10 or more person आर एबसेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट नोटिस एंड रीजनेबल कॉज, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 या 10 से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ एबसेंट हो जाते हैं बिना किसी नोटिस के, तो जो एम्प्लॉयर जो डिडक्शन करेगा वो कितने 8 दिन से ज़्यादा की सैलरी डिडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। पेनल्टीज, इफ़ ए पर्सन विलफुली ऑब्स्ट्रक्ट एन इंस्पेक्टर और रिफ्यूज टू प्रोड्यूस एनी रजिस्टर, अगर कोई एम्प्लॉयर जानबूझ के इंस्पेक्टर को काम करने से रोकता है, मीन्स उसके काम में बाधा उत्पन्न करता है, उसको मना कर देता है कोई रजिस्टर दिखाने के लिए या फिर कोई डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए, तो उस पर कितना फ़ाइन लगेगा, 1500 से 7500 रुपये तक उस पर फाइन लगेगा। इफ़ एनी पर्सन इज़ कन्विक्टेड अगेन ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द सेम प्रोविज़न, अगर किसी एम्प्लॉयर को उन प्रोविजंस को पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में जो भी प्रोविज़न बनाए गए हैं उनका उल्लंघन करने के लिए दोषी पाया जाता है, उस केस में क्या होगा, उसको जेल होगी 1 से 6 महीने तक की, और फाइन कितना, 3750 रुपये से लेके 22500 रुपये तक का फ़ाइन उस पर लगेगा। इफ़ एनी पर्सन फेल्स और विलफुली नेग्लेक्ट टू पे द वेजेस, अगर कोई एम्प्लॉयर जानबूझ के पेमेंट टाइमली पे नहीं करेगा एम्प्लॉयज़ को, तो उस पर कितना फ़ाइन लगेगा, उस पर एडिशनल 750 रुपये का फ़ाइन पर डे के हिसाब से लगेगा, और जब तक वो ये कंटिन्यू रखेगा तब तक उस डेट तक उस पर वो 750 रुपये पर डे के हिसाब से फ़ाइन लगता रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, हमने इसमें इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सारे कवर किए हैं जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, वो सारे ही कवर किए हैं, तब इसको अच्छे से याद कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।